हेलो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न द पोएम डस्ट ऑफ स्नो दिस इज़ पोएम फर्स्ट ऑफ योर बुक फर्स्ट फ्लाइट एंड दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एवरीवन वन नोज कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक बहुत ही अच्छी पोइट है ऑल अदर नेचर पोइट्स आर नोन फॉर डिस्क्राइबिंग द वेल नोन ब्यूटीफुल थिंग्स भाई बाकी जो सारे पोइट्स हैं वो जो uh, वेल नोन चीज होती है नेचर की जो ब्यूटी होती है जिसमें वेल well नोन चीज़ें जैसे नाइटिंगेल हो गई कुकू बर्ड हो गई वो उनको डिस्क्राइब करते हैं बट रॉबर्ट फ्रॉज क्या कहते हैं कि एवरी थिंग प्रेजेंट इन द नेचर इज ब्यूटीफुल ओके रॉबर्ट फ्रोज हैज़ डिस्क्राइब अ क्रो एंड अ ट्री इन दिस पोएम इस पोएम में जो रॉबर्ट फ्रोज हैं वो हमेशा इसमें क्या डिस्क्राइब करते हैं एक क्रो को और एक हेमलोक ट्री को

और ये ये भी बताते हैं कि हार्ड टाइम्स जो होता है वो हमें हैप्पियर टाइम को ज़्यादा फील कराता है ओके okay, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो तो लेट्स रीड वन लाइन बाय लाइन एंड फाइंड आउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री अब रॉबर्ट फ्रॉस एक बहुत अपने छोटे से पुराने इंसिडेंट को याद करते हैं वेरी सिंपल तो उनका हो गया था। simple, लगता है ये इंसिडेंट लेकिन इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस रह गई उनकी लाइफ में एक बार जो पॉइंट है ना वो बहुत डिप्रेस थे होपलेस थे और वो दुख के मूड में थे और वो अपने ख्यालों में खोए हुए थे वो एक हेमलक ट्री के नीचे खड़े हुए थे तभी क्या होता है एक क्रो वहां पे आता है जो शायद ट्री ट्री पर बैठ गया होगा होगा उसने की ब्रांच को हिलाया और स्नो के पार्टिकल्स पोइट के ऊपर आकर गिर गया द okay. वे down on मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ hemlock ट्री भाई ये डस्ट ऑफ स्नो कोई रेत मिट्टी नहीं है ये स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको बोला गया कि पोइट कहते हैं कि एक बार वो बहुत दुखी थे तो और वो उनको वो अपने खुआलो में खोए हुए थे और वो एक हेमलोक ट्री के नीचे खड़े हुए थे क्रो हेमलोक ट्री ये सारी चीजें क्यों बताई गई है? Here, अगर हम ध्यान से देखें तो क्रो और हेमलोक ट्री बोथ आर सिंबल्स ऑफ बैड ओमेंस अब इसको हम कंपेयर करेंगे जैसे हम जाते हैं हमारे रास्ते में अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हमें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है ओके okay. तो सिमिलरली क्रो जो होता है ना वो भी किसी अच्छी चीज़ का सिग्निफिकेंस uh, नहीं होता उसका सिंबल नहीं होता और हेमलोक ट्री है वो भी एक uh, कौन सा ट्री होता है इट्स अ पॉइजनस प्लांट तो इट इज ऑल्सो अ सिम्बल ऑफ बैड थिंग ओके तो हेयर द पोइट टू से कि दी दिस टें ओवरऑल टेल्स अस दैट द पोएट वाज नॉट इन अ गुड मूड द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मीन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलोक ट्री कि किस तरीके से एक क्रो वहाँ पे आया उसने मेरे ऊपर स्नो के कुछ पार्टिकल्स डाल दिए शायद उसने हिलाया होगा या उसके बैठती कोई ब्रांच हिली होगी तो स्नो के पार्टिकल्स रॉबर्ट फ्रॉस के ऊपर आगे गिरे हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव समेड रूड अब यहाँ आकर वही चीज में डिफरेंट हो जाती है पोइट कहते हैं कि जैसे ही मेरे पर स्नो के पार्टिकल्स ग्रे हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड सडनली मेरे अंदर एक मूड मेरा बिल्कुल चेंज हो गया पहले द पोइट वाज इन डीप सोरो ही वाज डिप्रेस ही वाज डिसअपॉइंटेड नाउ ही हैज अ गुड मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल और मेरे लाइफ में या ये कह सकते हैं कि उस दिन जो मेरा मूड खराब था मैंने आधा दिन तो खराब कर ही दिया था जो बचा कुछ है जो दिन था उस स्नो पार्टिकल से जो क्रो की वजह से आए थे उससे मेरा बाकी दिन बच गया अब रू क्या होता है रूट भी होता है कि आ, आ, वो पछताते हैं कि मैं पछताता रह जाता रूट होता है ना पछताना एक तरह से तो यहाँ पे पोइट कहते हैं देखिए हमने फर्स्ट चंद्र में पोइट ने क्या बताया था कि क्रो है ट्री डिप, डिप्रेशन के सिंबल एंड ओके सिंबल ऑफ ग्लूम अनहैपीनेस बट उसी क्रो की वजह से उनका मूड चेंज हुआ तो हेयर एवरीथिंग इन द नेचर हैज इट्स ब्यूटी सिमिलरली इन द पोइट वॉन्ट्स टू से क्रो की वजह से ही मूड चेंज हुआ था जिसे हम बैड ओमेन मांगते हैं है ना तो वी कैन से इस पोएम में ये आयरनी भी शो करता है अब आयरनी शो कैसे करता है कि भाई Uh, जो पोइट है वो कहता है कंट्रास्ट कंट्रास्ट बताता है कंट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मेन्ट बिटवीन व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू एंड द रियल ट्रूथ ओके जिस चीज को हम बुरा मानते हैं वही हमारे लिए कभी कभी अच्छी साबित होती है तो यहाँ पे क्रो जो है इट्स नॉट अ सिंबल ऑफ ग्लूम एंड हैप्पीनेस बट इसी क्रो की वजह से पोइट का मूड भी चेंज होता है तो वो ये सबको बताना चाहते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें जिस चीज़ के लिए फेमस होती हैं वेल नोन होती हैं और बट हमारी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम उसको किसी और नज़रिए से देखने लग जाते हैं तो आई होप द पोएम इज क्लियर टू ऑल ओके एंड राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम यू कैन से क्रो स्नो आर राइमिंग सेम मी एंड ट्री राइमिंग नेम्स तो राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी a b similarly heard part mood rude this is c d c d i hope the poem is clear and uh, uh, some poetic devices are also left here here symbolism is used crow and hemlock tree are symbol of unhappiness okay some metaphors are used crow is the symbol of sorrows and uh, one more uh, पॉइटिक डिवाइस यूज एम्बेजमेंट एम्बेजमेंट क्या होता है जब कोई लाइन स्टार्ट होती है हो, नेक्स्ट लाइन में जाकर फिनिश होती है दे अन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हैलिट्रेशन हैज गिवन माई हर्ट एच एच साउंड इज रिपीटिंग हेयर सेव्ड सम एस एस साउंड इज रिपीटिंग हेयर तो थ्री पॉइटिक डिवाइस आर यूज हेयर सिम्बल इज embellishment and alliteration. This is all about the poem. If you have understood the poem well, then please don't forget to share, subscribe, and like my channel. Thank you.